नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में बहाली की प्रक्रिया तेज हो उसके पहले ही लाखों स्टूडेंट को एक झटका लगा है, जिसमें सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कुछ तकनीकी कारण से अब टीचर बहाली नहीं आएगी। बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ बताएंगे कि 5 नवंबर को एक कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें उम्र संबंधी जो सरकार की नीति है कि वो परीक्षा तो लेती नहीं है, और जब वैकेंसी निकालती है तो फिर हजारों और लाखों स्टूडेंट को एक झटके में किनारे कर देती है। इसे लेकर ट्विटर कैंपेन शुरू हुआ है। इस कैंपेन में तमाम लोग साथ दें और स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाएं, जिन लोगों ने इसे शुरुआत किया है। उसके बाद धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है कुछ दिनों के बाद में। एक इस वक्त की बड़ी खबर पर बात कर लेंगे, जिसमें आज ये खबर आई है कि अब जगन्नाथ महतो ने फिर से एक नया बयान दिया और कहा है कि टीचर बहाली लाना अभी संभव नहीं होगा। 26,000, कभी 28,000 और कभी 55,000 टीचर के आस में बैठे हुए स्टूडेंट को तगड़ा झटका देखने को मिला है। और इस बीच में खबर यह है कि जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि वैकेंसी लाने में अभी दिक्कत होगी, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। और ये खबर हमने 1 महीना पहले ब्रेकिंग करके बता दिया था कि झारखंड में नौकरी नियुक्ति नियमावली में फंस करके रह जाएगी। अब ताजा मामला आपको समझाते हैं और आगे वैकेंसी क्यों नहीं आएगी ये भी बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि अभी तक वैकेंसी आई क्यों नहीं। इतने दिनों से मामला चल रहा था और सरकार के पास में कई बार आवेदन दिया गया और गवर्नमेंट ने खुद कई राउंड की मीटिंग में कहा था कि वो 26,000 बहाली पहली राउंड में लेकर आएंगे, उसके बाद 28,000 बहाली लाएंगे और फिर 73,000 बहाली लाएंगे, यानी कि सब मिलाकर के 1,00,000 से ऊपर बहाली आएगी। लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं हो रहा था और अब तक 24 जिले में से कोई भी जिला ने रिजर्वेशन का फार्मूला के तहत कोई वैकेंसी बताया ही नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए कि जब अभी जिला से वैकेंसी बताया ही नहीं गया है तो अब कितना वक्त लग जाएगा ये बताने में। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, जो इस वर्ष में नगर निकाय चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगा और उसमें भी वैकेंसी नहीं आ पाएगी। देखते देखते साल बीतेगा, अगले साल में आप उम्मीद कर सकते हैं, तब तक अगर ये सारी कुछ हो जाए फिर हाईकोर्ट मामला जाएगा। ये दुविधा झारखंड में क्यों होती है? कभी JSSC के पाले में गेंद होता है, कभी JPSC के पाले में होता है, कभी सरकार के पास और कभी हाईकोर्ट के पास। स्टूडेंट को लगता है कि वो वैकेंसी की तैयारी कम कर रहे हैं, 2020 क्रिकेट मैच ज्यादा देख रहे हैं। और ये इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर है कि लाखों स्टूडेंट को आज थोड़ी सी मायूसी होगी। लाखों स्टूडेंट झारखंड में तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर रह करके कर रहे हैं, गांव से दूर आकर शहर में रह करके कर रहे हैं, लेकिन 26,000 टीचर बहाली जो होने वाली थी, प्रक्रिया पिछले कई महीने से सुना जा रहा था, वो अब नहीं होगी। JTET के विद्यार्थियों के लिए अब एक आशा की किरण लग रही है कि पहले JTET हो जाएगा तब ये होगा या फिर होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। वहीं बिहार में कई एग्जाम का रोस्टर क्लियर होता जा रहा है, टीचर बहाली के दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, दसवां चरण तक हो गया है, लेकिन अभी तक झारखंड में इसकी सुगबुगाहट नजर नहीं आई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या PGT बहाली भी फंस जाएगी? PGT बहाली में फॉर्म भरने के डेट के बाद 1 महीने का एक्सटेंशन होना और धीरे धीरे मामला कोर्ट की ओर चला जाना, क्या PGT बहाली को भी रोक देगा? क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ के? क्या सिर्फ JPSC के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे सारे बच्चे? और JPSC में भी उम्र को लेकर विवाद चल रहा है कि इस बार 2017 किया जाएगा, क्या 2017 सरकार इस बार उम्मीद है कि कर देगी? वहीं दूसरी ओर 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें JSSC और JPSC की तैयारी कर रहे लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे और इनकी डिमांड सीधे तौर पर है कि जब परीक्षा आप हर साल नहीं लेते हैं तो उम्र संबंधी छूट देने पर इतना क्यों सोचते हैं? सारे स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में, चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में कोरोना काल के चलते छूट दिया गया था। इसके अलावा जिन राज्यों में परीक्षा देरी से होती है वहां भी छूट दिया जाता है, लेकिन झारखंड में परीक्षा होती ही नहीं है, होती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को ठंडे बस्ते में
डाल करके ताला मार दिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट क्या करेंगे, कम से कम उन्हें परीक्षा लिखने का मौका तो मिले, इसलिए 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द ही स्टूडेंट को ये सुविधाएं मिलेंगी। वहीं जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए 6 नवंबर को हमारी जो पहले से घोषित स्कॉलरशिप टेस्ट थी वो होगी। आपको कार्बन कॉपी मिल जाएगा, जो आप आंसर करेंगे उसका क्वेश्चन पेपर साथ में दे दिया जाएगा और आपके रिजल्ट उसी दिन शाम को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें ढेर सारे कैश प्राइजेज भी हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, 9431156794 पर आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। और ये परीक्षा जो हो रही है ये परीक्षा निःशुल्क है, इसमें आपके चार्ज नहीं लग रहे हैं। ये परीक्षा सिर्फ ऑफलाइन में हो रही है, फिलहाल इसकी ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो रही है। विशेष जानकारी के लिए आपको नंबर दिया हुआ, लेकिन झारखंड में क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कई वर्षों से टीचर बनने का सपना लेकर स्टूडेंट बैठे हुए थे, कई वर्षों से वो तैयारी कर रहे थे, कितनी किताबें खरीद लिए होंगे, कितनी किताबों से पढ़ रहे होंगे, और टीचर बनने का जो लोग सपना देखते हैं वो एक प्रकार से नौकरी का अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि उसके बाद कोई विकल्प नजर नहीं आता है दूसरा। ऐसे में सरकार के द्वारा ये बड़ा झटका है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल परीक्षा होगी ये लोगों को पता, बट कब होगी ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसलिए आज जो जगन्नाथ महतो का बयान आया ये बहुत ही चिंताजनक है, जिसमें उन्होंने आरक्षण की बात की कि 2400 जिला में अभी तक सीट का पता नहीं है, ना ही आरक्षण के बारे में उनको जानकारी है कि किस जिले में किस वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, ये भी उन्हें पता नहीं है, ना ही कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा है अभी तक निदेशालय में, लिहाजा वो क्या कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लापरवाही किसकी है, जेएसएससी की, सरकार की, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनकी, जहां से रिपोर्ट नहीं गई है, फिर रिपोर्ट मांगा ही नहीं गया है। ये रिपोर्ट मांगने में इस प्रकार की तकनीकी अड़चन लगा दी जाती है जिससे रिपोर्ट मिलने में ही देरी हो जाए। तमाम चीजें हैं जिस पहलू पर स्टूडेंट्स को विचार करना होगा और देखना पड़ेगा कि झारखंड में क्या अब नौकरी इतना आसान हो पाएगा, क्योंकि कितने वर्षों से आप सुन रहे हैं टीचर बहाली और हर 2-3 दिनों के बाद एक खबर आती है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है इसके मुताबिक अब इस वर्ष जो टीचर बहाली होने वाली है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, नए वर्ष में जाकर के आपको उम्मीद करना होगा। तो देखना होगा कि झारखंड में अब आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।